प्रिय छात्रों, काफी लंबे इंतजार के बाद अंततः जेपीएससी पीटी की परीक्षा आज संपन्न हो गई और निसंदेह आप इसके संपन्न होने से अपने को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि आपका इसमें रिजल्ट बेहतर हो और आप आगे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि यह दूसरा अवसर है जब जेपीएससी अपने इस नए सिलेबस के अनुसार परीक्षा आयोजित कर रहा है। पहले परीक्षा के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि यह परीक्षा शुरू से ही विवादित रहा। पहली परीक्षा जो दिसंबर 2016 में आयोजित हुई थी, आप अवगत हैं कि यह काफी विवादित रहा और इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव आए और आज तक भी इस पर इससे ग्रहण के बादल छंटे नहीं हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यह परीक्षा 2016 में हुई और इसका रिजल्ट मार्च 2017 में आया। शुरू से ही अभ्यर्थी इस पर हंगामा करने लगे, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के लिए जो कट ऑफ डिसाइड किया गया था वह 208 के आसपास था और बीसी 2 के छात्रों का मार्क्स इससे अधिक आया था। अंततः हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसका मार्क्स उतना ही किया गया जितना सामान्य वर्ग के लिए था। परिणामतः पहले 5100 के आसपास छात्र उत्तीर्ण हुए थे और उसके बाद 6100 छात्र उत्तीर्ण हुए। यही नहीं, पुनः इस पर जब विधानसभा में हंगामा हुआ तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि 40% से अधिक अंक लाने वाले सामान्य श्रेणी के, 35% से अधिक अंक लाने वाले बीसी श्रेणी के और 32% से अधिक अंक लाने वाले एससी एसटी के छात्र सभी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे, जिसकी बदौलत मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 34,000 छात्र सफल घोषित किए गए। वे सारे छात्र परीक्षा में सम्मिलित भी हुए, लेकिन लास्ट मोमेंट में पुनः हाई कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और उसने कहा कि केवल 6,100 छात्र के बीच ही मेधा सूची का निर्धारण किया जाए। तो ये रही कुछ बातें पिछले परीक्षा की। अब आपको मैं ये बता दूं कि चूंकि बहुत पहले से इस पैटर्न पर परीक्षा होने का कोई ट्रेंड है नहीं, इसलिए इसमें प्रेडिक्शन थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारे पाठक, हमारे अभ्यर्थी, हमारे छात्र जैसे ही अब परीक्षा खत्म हुई वे इसकी मांग करते रहे कि सर आप इसके लिए कोई कट ऑफ डिसाइड कीजिए और बताइए। हमने इसके पहले अपने दो वीडियो में दोनों ही पेपर के एनालिसिस आंसर की जारी कर दिए हैं, उससे अब तक आप अपना आंसर मिला चुके होंगे और संभवतः आप संतुष्ट हो गए होंगे कि आप इस परीक्षा में कितना अंक स्कोर करने जा रहे हैं। कुछ पैरामीटर्स है जो हमने निर्धारित किए हैं कि कैसे कट ऑफ का निर्धारण हम करें जो कि सटीक हो और आपको अपनी आगे की रणनीति तय करने में भी सहायक हो। इसके लिए हमने 5 तरह के पैरामीटर्स निर्धारित किए हैं। पहला स्टूडेंट्स ओपिनियन, दूसरा स्पर्धा टीम के एक्सपर्ट्स, तीसरा डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स उनका ओपिनियन, फिर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर दिस एग्जामिनेशन और अंतिम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड इन दिस एग्जामिनेशन। इसके बेसिस पर हमने बहुत सारे अपने पाठकों से, छात्रों से उनका व्यू लेना चाहा। उसके लिए भी हमने 3 पैरामीटर्स बनाए, जैसे पेपर 1 के लिए इजी, एवरेज और डिफिकल्टी लेवल। उसमें उनका ओपिनियन आया, 16% छात्रों ने कहा कि प्रश्न आसान थे, लगभग 54% छात्रों ने कहा कि एवरेज थे और 30% छात्रों ने कहा कि यह काफी डिफिकल्ट था। वैसे ही सेकेंड पेपर के लिए 3% लोगों ने कहा कि इजी था, 40% ने कहा कि एवरेज था और 57% लोगों ने कहा कि यह काफी डिफिकल्ट था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर 1 के मुकाबले पेपर 2 को ज्यादा डिफिकल्ट आंका गया। स्वाभाविक है कि इसके चलते इसमें कट ऑफ भी इसका नीचे आने का चांस है। इसी क्रम में हमने छात्रों से एक्सपेक्टेड मार्क्स के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने बताया कि जीएस पेपर 1 जो कि 200 अंकों का है उसमें 60% और उससे कम आने वाले छात्र 32% दिखे, 61 से 100% लाने वाले छात्र 25%, 100 से 140 अंक लाने वाले 25% और 140 से 180 वाले 14%। जीएस 2 की अगर हम बात करें
तो इसमें 60 अंक आने वाले या उससे कम अंक आने वाले लाने वाले 39%, 61 to 100 मार्क्स लाने वाले 17%, 100 to 140 मार्क्स लाने वाले 24% और 140 to 180 मार्क्स लाने वाले 13%। ये सारे मार्क्स मैं 200 आउट ऑफ 200 बोल रहा हूं। अब आप देख रहे होंगे कि ये कितना मुश्किल है। सेकेंड पेपर में सबों ने कहा कि ये काफी डिफिकल्ट प्रश्न पत्र था जिसके बहुत सारे आंसर क्लियर नहीं थे। आप क्वेश्चन के दौरान आप पाए होंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर शायद किसी बुक में ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप गहनता से अध्ययन किए होंगे तो बहुत सारे प्रश्न पत्र, बहुत सारे बुक्स में आपको इसके उत्तर मिल गए होंगे। तो मैं चाहूंगा कि इन जितने भी पैरामीटर जिसका जिक्र अभी मैंने किया है उसके बारे में एक कंबाइंड आइडिया मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं इस एग्जाम के कट ऑफ को लेकर, तो वह शायद कुछ इस तरह आए। एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहूंगा कि दोनों पेपर से ही मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे, किसी भी एक पेपर के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित नहीं है। तो चलिए अब देर न करते हुए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आकलन है, जो स्पर्धा टीम का, अनेक स्टूडेंट्स का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का और जितने कैंडिडेट अपियर हुए हैं उन सबों का निचोड़ रूप क्या है। जनरल के लिए यहां पर 55 to 60 सेफ मार्क्स है परसेंटेज में। बीसी वन के लिए 52 to 55%, बीसी टू के लिए 55 to 60%, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 to 55%, एसटी के लिए 45 to 48%, एससी के लिए 48 to 50%। आपको मैं पुनः एक बार स्पष्ट कर दूं कि मैंने एक टेंटेटिव, एक अंदाजा जो विभिन्न तथ्यों पर आधारित है उसके आधार पर यहां प्रस्तुत किया है। यह अक्षरशः सत्य हो सही नहीं है, फिर भी यह अनुमान सत्य के करीब हो सकता है। अतः मैं चाहूंगा कि वैसे छात्र जो इस दायरे में इस परीक्षा में अपना स्कोर कर रहे हो तो बगैर समय गंवाए वह अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है इसके लिए आपको ज्यादा वक्त न मिले और रिजल्ट का इंतजार करते करते बहुत विलंब हो जाए। जो छात्र इससे कम स्कोर करते हैं उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कट ऑफ और नीचे जाए, उन्हें भी अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। अगर उनके पास चांस बनता है या मिलता है, उम्र उनकी बची हुई है, तो आगे अगले एग्जाम में वो निश्चित रूप से कामयाब होंगे, ऐसी मैं उनके लिए अपेक्षा करता हूं। और मैं यह भी आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि स्पर्धा प्रकाशन शुरू से ही आपके हित में कार्य करने के लिए कटिबद्ध रहा है। इसी क्रम में इसने मुख्य परीक्षा के लिए पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित और पिछले साल से संबंधित परिवर्धित एडिशन इस बार वह लेकर आया है, जिसमें कुल 8 पुस्तकें हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र कंपलसरी होगा हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। दूसरा लैंग्वेज पेपर का होगा, तीसरा इतिहास और भूगोल का होगा, चौथा पॉलिटी संविधान से संबंधित होगा, पांचवा इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन से होगा, छठा विज्ञान प्रौद्योगिकी से होगा। इसके अतिरिक्त हमने 2 और पुस्तकें, उपयोगी पुस्तकें आपके लिए बनाई है। उसमें पहला है क्वेश्चन बैंक। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए उसके प्रश्न विस्तृत उत्तर के साथ इस पुस्तक में आपको मिलेगा। साथ ही परीक्षा हॉल में आपको किस तरह उत्तर लिखना चाहिए, उसका क्या लेंथ होना चाहिए, उसके लिए हमने एक मॉडल सेट सभी विषयों का उसमें समाहित किया है। और वो सारे क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं जिनके आगामी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा चारों कंपल्सरी पेपर में, पेपर 3, 4, 5, 6, इसमें 5-5 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, जिसके प्रैक्टिस करने से या जिसके आधार पर आपको आंसर राइटिंग करने में सुविधा होगी और इस प्रकार आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि इस मुख्य परीक्षा के जितने ये 4 कंपल्सरी पेपर हैं, इनका पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होता है। इसको ध्यान में रखते हुए
हमने एक अलग से इन चारों पेपर को एक में सम्मिलित करते हुए अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन किया है, जो कि आपको इस पहले प्रश्न जिसके कुल 40 अंक और इस तरह से अगर हम मिला लें तो चारों पेपर मिलकर 160 अंक हो जाते हैं, उसके लिए काफी उपयोगी होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन होगा, अनुरोध होगा कि परीक्षा पूर्व आप इन सारे पुस्तकों का अध्ययन एक बार अवश्य कर लें। आपने इस बार भी महसूस किया होगा कि जितने भी प्रश्न इस बार पूछे गए थे जेपीएससी पीटी में, स्पर्धा प्रकाशन के किसी न किसी पुस्तक में उनके आंसर समाहित थे। खासकर अगर मैं 11th आवर में प्रकाशित अपनी पुस्तक गेस पेपर के बारे में बात करूं, जिसको हमने लिटमस टेस्ट का नाम दिया था, उसका अध्ययन आपने किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके कितने सारे प्रश्न उसमें समाहित थे। साथ ही साथ हमारे वीडियो चैनल से जुड़े छात्र देखे होंगे कि कितने सारे प्रश्न जिसका रिवीजन उन्होंने किया हमारे वीडियो के माध्यम से, वो इस परीक्षा में कारगर हुए। तो मैं चाहूंगा कि आप अध्ययन करें, सफल होएं और अपने मुकाम को हासिल करें। धन्यवाद।